हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल बी टॉकिंग टू दिग्विजय खटुआ, जिनको रिसेंटली 2022 में नेशनल अवार्ड मिला है ललित कला अकादमी से फॉर हिज क्रिएशन, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट हिज आर्ट जर्नी, व्हाट ही हैज़ अचीव्ड टिल नाउ एंड व्हाट्स हिज विजन फॉर फ्यूचर। तो बात करते हैं दिग्विजय खटुआ से। बेसिकली ही इज़ फ्रॉम उड़ीसा, बट राइट नाउ ही इज़ बेस्ड इन नोएडा, और इन्होंने अपना MFA कॉलेज ऑफ दिल्ली से किया है। इनके काम के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे हिडन एंगल्स हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स टॉक टू दिग्विजय खटुआ, चलते हैं इस जर्नी पे। Let's start this journey. This award-winning work by Dhigbaji Khatua, and you're watching Art Keeper. आज आर्ट कीपर को मौका मिला है, ये जो मैजेस्टिक वर्क है इसके पीछे जो आर्टिस्ट हैं उसको जानने का। तो थोड़ा सा वक्त आप आर्ट कीपर को दीजिए, एंड विल बी टॉकिंग टू दिग्विजय खटुआ वेरी सून। फर्स्ट टुक एट द वर्क, एंड दिस वर्क हैज़ टेकन हिम एटलीस्ट 1 month, एक महीने का पूरा टाइम लगा था इनको ये बनाने में। And we'll go behind the scene. आपको बहुत सारे और videos देखने को मिलेंगे। So I'm moving the camera towards, yes, hello. Hi. Hi. So I'll be talking to Dhigviji. Hi. Dhigviji, पहले आप ये बताएं कि आपका बचपन कैसे बीता था? Like, how was your childhood? Like, उस वक्त आपके घर से लोग आपको आर्ट में सपोर्ट करते थे, या बचपन में ऐसा कुछ था जो आपको आर्ट की तरफ झुकाव था? प्लीज़। एक्चुअली मेरा घर जो ईस्ट उड़ीसा में है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ केंद्रा पड़ा। आपको पता है उड़ीसा ऐसे एक कल्चरली एक ट्रेडिशनली बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ बचपन से ही आर्ट के ऊपर इंटरेस्टेड है। गांव में दुर्गा पूजा हो गया, काली पूजा हो गया, या अलग अलग फेस्टिवल होता है। आपको पता है कि 12 महीने में 13 फेस्टिवल होता है। बिल्कुल, आपका बंगाल का वो ऑलमोस्ट कल्चर है, तो वहाँ से कम पहले इंस्पिरेशन आया है। ये भी नहीं बोल सकते कि इंस्पिरेशन आया, ऑटोमेटिकली आर्ट को मैंने नहीं चुना, वो आर्ट मेरे को चुना है। तो वो ऑटोमेटिकली उससे बचपन से वो सब चीज़ में इंटरेस्ट पड़ा, फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ा, नहीं जरूरत अपने, क्योंकि बचपन में तो पढ़ाई में सब लोग मम्मी पापा ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल, बट उनको पता है कि ये आर्ट अच्छा करे, सब लोग बोले कि स्कूल में कि ये सोचा होगा कि सरकारी काम करे, नहीं अभी तक तो सोचा नहीं, बट हाँ जब सोच रहे थे तब, तो जब आर्ट कॉलेज में नहीं पढ़ाई कर रहे थे तब सोच रहे कि 10,000 का नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बट उस टाइम में तो इतना नहीं सोचा था कि इतने है, या आर्ट सेल होता है, क्या करता है, कहीं कुछ मूर्ति बनाते हैं तो वहाँ जाके खड़ा होकर देखते हैं गणेश पूजा में या सरस्वती पूजा दुर्गा पूजा में। तो वो स्कूल जाने से ज़्यादा उसमें कैच मन रहता है कि स्कूल छुट्टी हो जाए, जाके दुर्गा पूजा जब मूर्ति बनता है वो देखें, या कलर कैसे लगाते हैं, या जैसे हमारी एक गाँव में वो बनाते हैं जैसे सरस्वती पूजा व गणेश पूजा में, तो पूरा दिन ऐसे पढ़ा रहते तो कैसे वो कलर दे रहे, वो सबसे धीरे धीरे आर्ट जर्नी शुरू हुआ है। तो गाँव में जैसे मूर्ज बोलते हैं, मतलब किसी फेस्टिवल हुआ कि घर के सामने चीता टाइप का बनाते हैं, वो पहले अभी तो सारे पक्का घर बन गया, पहले मिट्टी का घर बनता था, उसमें चीता उस सब वहीं से ही आर्ट शुरू हुआ है। दीवार पे दीवार के ऊपर पूरा सजा देते हैं, तो उस सब में ही धीरे धीरे डेकोरेट किया जाता था, डेकोरेट करा जाता था, अपने हाथों से बनाते थे औरतें। और एक छोटी बात मैंने देखा कि बचपन से मैं भी कर रहा था, पेपर में बोलते इसको चीता बोलते हैं उड़िया में, चीता, अब चीता, ओके, चीता बोलते हैं, चीता बोलते हैं। अच्छा, चीता जो बोल रहे हैं, चीता एक तरफ से और बोलेंगे तो चीता ही शब्द हो गया, चीता वो अलग आता है, वो लेकिन आप बोलते हैं चीता, चीता, चीता मीन चित्र, 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 राइट। और वो इसको औरतें खुद अपने हाथों से वो हाथों से बनाते, वो मेरा घर पे मेरा माँ भी बनाते थे, वो सब चीज़ देखते के थोड़ा वो इंटरेस्ट बन रहा है। तो वो जब बच्चे थे तो अरे ये अच्छा करता है इसको दे दो, वो कुछ बनाए तो मन करता था उस बनाने के लिए। और उससे जब छोटा हुआ था और इंटरेस्टिंग बात होता था, किसी के घर जाते थे जैसे कोई आया है
मतलब जो नया नया शादी करते हैं वो साथ में बहुत सारे वो अलता लगाते हैं ना पैर में, वो लेके आते हैं। तो मेरा मन करता है तो कहीं मिल जाता है, तो उसमें कहीं से भी कुछ मिल गया तो किसी भी वॉल पे शुरू कर देते हैं, अलता को लेके। तो इस तरीके से पहले इटर बहुत मार भी पड़ता था, इसके वजह खेलने का मजा होता था, आपको जो भी मिलता था उसका खेलते थे। गणेश पूजा आ गया, खुद मिट्टी लेके खुद बनाना शुरू कर दिए, कल स्कूल से आके फिर बनाना शुरू कर दिए, उसके लिए बहुत मार भी पड़ता था, बट बचपन से यहीं से शुरू हुआ है आर्ट। तो फिर आपको पता है उड़ीसा में यार बंगाल में भी ऑलमोस्ट होता है, एक यात्रा होता है जो गांव में थिएटर को जिसको यात्रा बोलते हैं, वो बहुत फेमस है उड़ीसा में। तो वो एक एंटरटेनमेंट का एक तरीका होता था कि लोग देखते थे, बट लोग के लिए तो एंटरटेनमेंट यात्रा था, बट मेरे लिए वो पेंडाल में जो सजाते थे पहले जो बड़े बड़े पोस्टर आता था उसमें जो हीरो होते थे या कैरेक्टर होते थे उनका बड़े बड़े पेंट करा जाता था, पोर्ट्रेट में होता था, हाथ में बनता था, बिल्कुल वो देखने में बहुत मजा आता था। तो पूरा जैसे शुरू होता है उनको एक पेंडल बांधने के लिए 4-5 दिन लगता है, फिर यात्रा होता है 4-5 दिन होता है, इससे पहले से शुरू हो जाता है कि देखना कैसे, मतलब बिलीव नहीं करो कि जो बच्चे थे 5-6 किलोमीटर पैदल में चले जाते थे, पूरा धूप में स्कूल ख़त्म होते ही बैग छोड़ के चले जाते थे वो सब देखने के लिए। तो वहीं से धीरे धीरे वो इंटरेस्ट जमा है। तो अभी जो काम है उनसे तो बहुत इंस्पिरेशन आया है, ये जब कटिंग है आप भी पता होगा जो मेड होता है, जैसे दुर्गा पूजा में आप माँ के मेड देखोगे, तो ऐसे ऐसे करके वो कटिंग होके फिर पीछे जो बनाते हैं तो माँ को डेकोरेट करते हैं। तो मेरे कहीं ना कहीं उस सब में बचपन से ही मैंने ये सब चीज़ देखा और उससे भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। तो ऐसे भी उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके इस काम में भी हुआ है। आज जो वास्तविक में अभी प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं, अभी भी जो काम पीछे भी है नेशनल का उसमें भी आया है वो काम। एक्सीलेंट। तो उसके बाद मान लीजिए कि जैसे आर्ट कलर जो प्रोफेशनली पढ़े हैं तो उसमें ये सब कलर के बारे में थोड़ा प्रोफेशनली चीज पता चला। उससे पहले तो आर्ट मतलब बोर्ड बैनर होता था कि ये सब चीज सीखते थे, तो आर्ट कॉलेज में तो इतना आइडिया था नहीं बिल्कुल। तो बट यहीं से तो शुरू हुआ है जर्नी, वहीं से शुरू हुआ। अच्छा दिग्विजय जी, हम लोग आपके एक बेसिकली इस काम के सामने बैठे हुए हैं विच यू हैव गॉट द अवार्ड, नेशनल अवार्ड। ये काम किस चीज़ पे बेस्ड है, थोड़ा इस काम के बारे में पहले बताइए। इसके टाइटल जो कंस्ट्रक्टिव प्लान, एक्चुअली इस सीरीज में मैंने बहुत सारे काम बनाया है। कंस्ट्रक्टिव प्लान मैंने बचपन से एक्चुअली गांव से पैदा हुआ, एक छोटा सा गांव है, एक ब्लॉक है राजनगर मौलिया गांव करके एक छोटा सा गांव है। तो वहां से मैंने जब शहर आया तो एक्चुअली बचपन से ना हमारी घर बहुत छोटा था, तो मेरे को इतना प्रॉब्लम होता था कहीं ना कहीं, एक्चुअली वो चीज़ है शायद, मैं कभी ना कभी कुछ सुंदर घर देखता हूँ तो मैं ज़्यादातर अट्रैक्ट हो जाता हूँ, क्योंकि हम लोग जो गांव में रहते हैं वो अपना गांव नहीं है, वो मम्मी पापा के जॉब के वजह से आजेश कर रहे थे एक गांव में आके। तो शायद उस चीज़ के लिए मैं घर के प्रति अट्रैक्टिव हूँ आई थिंक, पर कह नहीं सकता हूँ। तो वो बचपन से कभी किसी का बड़ा घर देखता हूँ तो लगता है कितना बड़ा घर है उनका। तो हो सकता है कि अभी जो घर बना रहा हूँ या वो हो सकता है वहाँ से आया है, बट ये जो कंस्ट्रक्टिव लैंड है मैंने दिल्ली में या कहीं जो लैंड चेंज होता है, तो अभी मैं मान लीजिए मैं अभी 1.5-2 साल हो गया उड़ीसा नहीं गया, तो अभी उड़ीसा जाता तो बहुत सारे चेंज हो गया। जैसे गाँव में पहले मिट्टी का घर होता था, अभी 70 या 90% आप मान लीजिए कि पूरा पक्का घर बन गया, तो वो एक लैंड चेंज हुआ है। अभी पहले वो लोग मिट्टी के घर में रहते थे क्योंकि वो मिट्टी से वहीं से बनता था, बट अभी पक्का घर और घर कितना बड़ा भी बना है दिखाने के लिए। तो इस तरीके से एक आज घर बना रहे पैसा है, तो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, उस चीज़ शहरीकरण बढ़ रहा है। और एक लोग जो है, मैं खुद भी मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसका, पर जो सोसाइटी में चल रहा है आर्टिस्ट का, तो वो दिखाना है कि ये नहीं है कि मैं इसके विरोध में हूँ या सपोर्ट में हूँ, वो बस मतलब नहीं जाता। लोग बोलते हैं कि आप ये बोले कि आप उनके, नहीं है वो, ऐसा नहीं है कि मेरे को भी घर चाहिए, तो एक्चुअली चीज वो नहीं है। बट हाँ, एक कंस्ट्रक्टिव लैंड ये आइडिया आया था, जैसे एक फोकस अब तो एक पॉइंट को फोकस करना है, एक पूरा कंस्ट्रक्टिव लैंड पे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाना, एक ह्यूज इज लाइक द गॉड। ऐसे मैंने बहुत सारे टाइटल में जैसे सिटी ऑफ गॉड, जैसे तब दिल्ली आया था तो यहाँ पे जब देखा था कोरलबाग में हनुमान जी की मूर्ति, तो उसमें एक पेंटिंग बनाया था वो सिटी ऑफ गॉड, मतलब एक गॉड को रिप्रेजेंट किया। तो इस तरीके से अलग अलग जगह में, तो ये इसके ऊपर रिलेटेड था। आप अपने सब्जेक्ट मैटर्स को किस तरह से ढूंढते हैं, आई ऑल्सो डिफाइन मोर, मैं मुझे थोड़ा सा और मैं बताता हूँ आपको। आपके मैं बहुत सारे पेंटिंग्स और बहुत सारे वर्क्स देख चुका हूँ जो आपने मुझे भेजे थे, जी एंड आई वाज अमेज्ड, सरप्राइज्ड, इतने सारे काम, ठीक है, और इतना बढ़िया काम, थैंक यू, और इतने यंग एज में, मतलब
पूरा समुंदर आ गया था मेरे पास और समुंदर में मैं ढूंढ रहा था कि ये ना वो ये ना वो, बहुत बढ़िया काम थे। थैंक यू। मेरा ये कहना था कि एक आदमी में जब तक पागलपन नहीं होगा, नहीं नहीं, सी आर्टिस्ट, आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट, आई बिलीव देयर इज अ काइंड ऑफ ए मैडनेस इन अस, एक पागलपन होता है, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, जब तक पागलपन नहीं होगा वो आर्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा या ढूंढेगा भी। सही बोले। ठीक है, तो ये जो पागलपन है, इस पागलपन के पीछे क्या राज है, और ये जो सब्जेक्ट मैटर्स आप चूज कर रहे हैं बार बार, और मैं देख रहा हूँ सक्सेसफुली बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, और मैंने आपका पूरा वो पोर्टफोलियो मैंने देखा है, नेचर के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है। सो हाउ यू हैव डन इट? क्योंकि जब एक छोटा शहर गांव से जब एक भुवनेश्वर आया, भुवनेश्वर से दिल्ली जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यहाँ से एक जर्नी है पूरा। वो एक गांव से आया कि मैंने विलेज से बहुत सारे लैंडस्केप देखा, जब एक छोटा सा भुवनेश्वर से आया वहाँ से एक सिटी का, एक भुवनेश्वर में क्या है कि आपको लैंडस्केप भी मिलेगा और बिल्डिंग भी मिलेगा, बट दिल्ली थोड़ा डिफरेंट है, या दिल्ली मुंबई या हैदराबाद जो भी जो बड़े सिटी हो गया, तो वो जो डिफरेंट है वो कहीं ना कहीं आता है। तो सेकंड चीज़ ये है कि जब हम बचपन के बात कर रहे थे, जैसे बचपन में ये सब चीज़ में क्या होता था कि हम किसी भी चीज़ करते थे उसके लिए हम तब नहीं सोचते थे कि हम इसको करके क्या मिलेगा क्या करेगा, बट अब भी जैसे ये चीज़ कर रहे हैं कि हमको पता है कि ये चीज़ करके हमें गैलरी में शो करना है, कि रिप्रेजेंट, एक प्रोफेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट एक चीज़ है इसमें, हम जब पेंटिंग कर रहे हैं कोई भी, तो पहले कभी कभी होता है कि पहले हम सोचते कि ये करना है, कभी कभी वो ऐसे आ जाता है क्या करना है, अभी किसी भी चीज़ में कर लिया, बट मैं उसके बाद सोचता हूँ तो एक्चुअली ये इमेज कहाँ से आया, मैंने क्यों किया कि ये कुछ औरत कुछ काम कर रहा है, जो भी इमेज है, तो बाद में मैंने सोचा जब मैंने यहाँ पे बैठा था वो कर रहा था, वो मेरा अनकॉन्शियसली मेरा माइंड में था, तो वो फिर पेंटिंग करते करते आ गया, खुद पता नहीं चला एक्चुअली। तो एक्चुअली कभी कभी लगता है कि मैं जानबूझ के कुछ कुछ इमेज डालता हूँ, कुछ कुछ वो अनकॉन्शियसली आ जाता है, जब आ जाता है तो क्यों आया मेरे को भी नहीं पता, बट आता है तो कहीं मैंने देखा है, ज़्यादातर मेरा काम जो है सोसाइटी से थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ, कहीं मैंने स्पेस चेंज होता है तो थोड़ा बहुत काम भी चेंज होता है। तो क्या इसके लिए कोई प्रिपरेटरी ड्राइंग्स करने की जरूरत पड़ता है आपको कि हाँ मैं कुछ ड्राइंग्स या स्केचेस को तैयार करूँ? नहीं, बेस्ड ऑन दैट आई शुड गो? नहीं, डायरेक्टली बहुत रफली कभी कभार बनाता हूँ, तो ज़्यादा नहीं, मैं डायरेक्टली पेंटिंग शुरू करता हूँ। अभी जैसे मैं ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूँ, थोड़ा काम को थोड़ा मिनिमाइज किया है, तो जो कंस्ट्रक्शन था अभी कोविड के टाइम में थोड़ा खाली था, बहुत सारे वो एक्चुअली जो एरिया में रह रहा है थोड़ा इंस्टीट्यूट एरिया है, कलाधाम सोसाइटी के पास है, तो कलाधाम के पास है, थोड़ा वो साइकिलिंग करते थे ऐसे घूमते थे शाम को, छोटा छोटा जो कॉर्नर है बहुत सुंदर लगा, तो कहीं एक बंदा बैठा है, छोटे छोटे इमेज एक प्ले कर रहा है, राइट स्टोरी बना रहा है, तो अपने आसपास से ही आप उसको ढूंढ लेते थे, मैंने कहीं ना कहीं स्टोरी, मतलब एक जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट है एक टॉपिक को लेके काम करते हैं, मेरा इस तरीके से तो टॉपिक तो सबके पास है आई थिंक, बट कॉन्सेप्ट तो वो एक है, बट इसके पीछे के जो स्टोरी है कहीं ना कहीं मेरा सोसाइटी से ही लेता हूँ, मैं कहीं देखा हूँ वो क्यों कर रहा है, तो वो इसके पीछे की स्टोरी ज़्यादा नहीं, मेरे को इंटरेस्टिंग लगा वो इमेज क्यों कर रहा है, वो किसके लिए आया है, तो वो इसके पीछे का स्टोरी है, राइट। तो ज़्यादा तरफ तो मैं सोसाइटी से देख के ही लेता हूँ, मैं घूमता हूँ ज़्यादा तरफ, जब देखता हूँ तो वो सीन को लेके। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहीं पे कि दिग्विजय जी, आप मतलब बड़ी बड़ी पॉलिटिकल बातें या बड़ी बड़ी इज़म्स ये वो चीज़ डालने की कोशिश नहीं करते हैं आर्ट में, नहीं नहीं, आप उसी चीज़ को लेते हैं, उसी चीज़ पे काम करते हैं जो आपके आसपास है, आसपास है, एंड यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम देयर, उसके ऊपर फिर सोच के फिर आप काम सोच के काम करते हैं। जो डिफरेंट है जैसे कि आप इसमें अभी पेपर कटिंग देखा, ये पेपर कटिंग ऐसा नहीं है कि मैंने जान पूछ के किया कि थोड़ा डिफरेंट करने के लिए, ऐसा नहीं है, मेरा ऑटोमेटिकली आया है। जैसे मैं एक स्टोरी बताता हूँ, मेरा एक कॉलेज ऑफ आर्ट में जब मैं पढ़ रहा था, फर्स्ट ईयर के खत्म हो गया था, सेकेंड ईयर 2013 में मैंने एंट्री किया था, तो 14 में ऐसे काम कर रहा था, तो मैं रहता था मंगलम में, तो यहाँ से कॉलेज से जा रहा था जो जमुना बीच के अंदर, पूरा भीड़ था, ऐसे बस रुक गया, बहुत गर्मी हो रहा था, तो बस से मैं बाहर आ गया, मैंने बोला इतने भीड़ से तो पैदल में चला जाऊं, तो बाहर आके देखा कि पूरा भीड़ लगा हुआ था, एक स्मोक निकला हुआ था, पूरा स्काई ऐसे था, वो बहुत अच्छा लगा, बट कभी कभी स्मोक भी अच्छा लगता है, वो पोल्यूशन था, फिर भी एक ब्यूटी एक स्काई के अंदर एक फॉर्म क्रिएट कर रहा था, एक फॉर्म क्रिएट किया था, उसमें मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मेरा दिमाग में चला तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। उस दिन मतलब
ऐसे कुछ चंद्रमा टाइप का कुछ पूर्णिमा होता है आपको पता है, तो ऐसे कुछ हो रहा था, तो मैंने उस दिन चांद को भी कभी तक दिल्ली में देखा नहीं इस तरीके से, अभी चांद है इस गांव में तो पूर्णिमा ये सब चीज़ को मैंने देखा है, तो वो कहीं ना कहीं रिमाइंड हुआ कि एक्चुअली यहाँ के स्मोक और गांव के स्मोक डिफरेंट, गांव में आपको जैसे चावल का हो गया, चावल से पहले वो लोग गर्म करते हैं उसको, तो उसका सुबह सुबह धुआं होता है, तो वो एक ब्यूटी देखा है, तो डिफरेंट चूल्हा में सुबह सुबह और यहाँ पे एक स्मोक है, दिस इज टू स्मोक और डिफरेंट एक ब्यूटी ऑफ स्मोक, वो स्मोक पॉल्यूशन नहीं करता है, वो स्मोक परिवेश के लिए अच्छा है, बट यहाँ का स्मोक अलग है बिल्कुल। तो वो मैंने जाके जब एक्सपेरिमेंट किया कि इसको किस तरह देखा, पूरा रात पूरा बैठा सोया नहीं, इसको पेपर जल रहा था, वो एक्चुअली जो ढूंढ रहा था वो आ नहीं रहा था, मेरे को लगा कुछ पेपर जला के करूँ, तो वो इतना मैस्टिक मेरे पास बच गया था तो जला जला के, तो वो मैस्टिक को ऐसे जोड़ जोड़ के देखा कि ये ऑटोमेटिकली फॉर्म क्रिएट किया है कि जैसे एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक फॉर्म क्रिएट किया, तो उसको मैंने एक सिटी के तरीके से रिप्रेजेंट किया, लाइक एक स्मोक किया, फिर उसके बाद मैंने ग्रेट नोएडा के जहाँ पे पूरा फैक्ट्री एरिया है उस तरीके से किया, वो मैप वगैरह थोड़ा फॉलो किया गूगल पे, तो उसको लेके कुछ काम किया, तो ऐसे ही आता है। तो फिर पेपर कटिंग का जैसे बात है, तो एक्चुअली ऐसे गली में जाते थे दिल्ली में, तो आपको पता है कि आपका स्पेस इतना होता है, जो बालकनी जो हुए वो आपका स्पेस से आगे कर देते हैं, तो वो गवर्नमेंट वाला स्पेस में, तो रोड के स्पेस में बालकनी रहता है, तो वो इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने लगा वो बालकनी को कैसे रिप्रेजेंट करूँ, लाइक के ये जैसे अलग से आया है कि पेपर से कैसे अलग से आया है, थोड़ा सा उभर के ऊपर का आया, तो यहाँ से 3D दिमाग से आया, और बचपन से बता रहा जो मैट बनाते थे वो ऐसे आपको दिखाया होगा जो भगवान को पीछे रख के ऐसे रहता है, तो वहाँ से फिर गांव में से यात्रा होता है, पेंडल होता है, एक डबल पेंडल होता है, जो पीछे है एक बिलियन का एंट्री होता है हीरो का, वो एक फोकस करते हैं जैसे वो एक्चुअली, और एक चीज मेरा पापा भी टीचर है, वो राइटिंग करते हैं, वो सब चीज बचपन से उससे भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है, तो एक फोकस करना, एक कहीं ना कहीं मेरे काम में देखेंगे एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग लाइक हीरो, लाइक दिस टाइप ऑफ, जैसे कि आप उसमें देखेंगे कि भगवान को रखा है तो बहुत सारे भगवान रहता है, बट दुर्गा पूजा में एक दुर्गा माँ को मैं फोकस करते हैं, तो इस तरीके से है, तो वहाँ से पेपर कटिंग वगैरह शुरू हुआ है। तो एक्चुअली थोड़ा उड़ीसा में थोड़ा वो स्किलफुल प्रैक्टिस बहुत करते हैं बिल्कुल, तो आई थिंक पहले तो नहीं सोचे थे कि एक्चुअली वाटर कलर में पेंटिंग होता है, हमें लगता है कि वाटर कलर मीन्स स्टडी, बाहर जाके स्पॉट्स पेंटिंग करेंगे, तो पहले तो यही सोचते थे यहाँ पे वाटर कलर में पेंटिंग हो सकता है और उसको एक कंटेम्प्रेरी वे में, ये तो मैंने दिल्ली आके शुरू किया, एक्सपेरिमेंटेशन किया। हाँ, वो दिल्ली आके अभी भी उड़ीसा में जब जाते हैं आप क्या करते हैं वाटर कलर, अभी भी वाटर कलर करते हैं, अभी ऑयल पे करो एक्रेलिक पे करो, मतलब वाटर कलर में पेंटिंग करता हूँ, एक डिफरेंट अप्रोच है, तो ऐसे ही है, कुछ कुछ लोग फोटो देखे तो उनको ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे काम में जब डायरेक्टली बैठेंगे थोड़ा समझ में आता है, आई थिंक फोटो में थोड़ा 2D लगता है, बट एक्चुअली वो 2D नहीं है, एक्चुअली एक एक पेंटिंग होता है, जैसे कि ये पेंटिंग है इसके अंदर तक भी पेंटिंग है, बट वो थोड़ा डिफरेंट करके कुछ रहता है, क्योंकि जितना दिखता है उतना उससे ज़्यादा मेहनत है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऑलरेडी पहले देख चुका हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत थोड़ा होता है, जितने फोटोग्राफ्स मैं आप ये शेयर करूँगा आर्ट कीपर में लोग देख पाएंगे, इट्स लाइक मेहनत का अंत नहीं है, बहुत ज़्यादा है, और मतलब पोर्टफोलियो भी मैंने देखा, मैंने कहा है कि बहुत ज़्यादा है। थैंक यू। हाँ, उसको चूज़ करने में, उसको दिखाने में मुझे ही प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं क्या छोड़ूँ और क्या दिखाऊँ, सो आई वॉन्ट टू कीप ईच एंड एवरीथिंग। मैं इस पर और भी बात करूँगा, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस जर्नी को आगे कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, और इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें आपसे पूछूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू सो मच जी। मैं एक सवाल ये पूछूंगा, आप भी उड़ीसा से दिल्ली आए हैं,
यू आर ए माइग्रेंट इन अ वे, माइग्रेशन हुआ है, माइग्रेशन ने आपके काम को किस तरह से प्रभावित किया है, इन्फ्लुएंस किया है, राइट? काम में चेंजेस भी आए हैं, आए होंगे, तो दिल्ली ने आपको किस तरह से, आपके काम में किस तरह से चेंजेस लाए हैं, दिल्ली के कल्चर ने, दिल्ली के एनवायरनमेंट ने, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जब मेरा बैचलर ख़त्म हुआ भुवनेश्वर में, तो एक्चुअली मास्टर्स करने के लिए मेरे को बाहर आना था, राइट? तो भुवनेश्वर में एक्चुअली मास्टर्स के लिए इतना कोई अच्छा स्कोप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक स्किल था बैचलर में दिल्ली वाटर कलर जाना, स्केच करना, वो तो किया है, बट उसके आगे क्या है, तो मास्टर्स में उसको कैसे यूज़ करेंगे, जो स्किल सीखा है हमें, वाटर कलर इतना प्रैक्टिस किया या स्केच प्रैक्टिस किया, इसको किस तरीके से एक कंपोजिशन बोलते हैं, तो वहाँ पे तो एक अलग फंडा होता है कंपोजिशन का। एक्चुअली जब हम मैगजीन में आर्ट इंडिया ये सब देखते थे, एक्चुअली इसको किस तरीके से वो जो स्किल को ही हम यूज करेंगे काम में, तो उसके लिए हमें कहीं अच्छे जगह में मास्टर्स करना। पहले तो मेरा मन था कि जे जे जाएंगे, यहाँ से मास्टर्स करेंगे कहीं। बचपन में मैंने देखा था एक डॉक्यूमेंट्री था शायद डीडी में, वो लग रहा था कि वो कितना बड़ा कॉलेज है, वहाँ पे जाके पढ़ना है। तो मैंने जब बैचलर ख़त्म हुआ मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने बोला कि हमारी फॉर्म तो निकल गया है, आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करिए। तो फिर लगा क्या करेंगे अभी एक साल, तो फिर दिल्ली आ गए, तो ऐसे मास्टर्स के लिए नहीं सोचे कुछ प्रैक्टिस करते हैं, तो पहले आके थोड़ा ट्यूशन ऐसे ऐसे थोड़ा हेल्प करना काम, और कुछ आर्टिस्ट के थ्रू हेल्प करना, ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत काम शुरू किया है दिल्ली में। तो फिर उसके बाद मैंने एक साल के बाद फिर मास्टर्स कॉलेज ऑफ आर्ट में किया। बट दिल्ली आने के बाद एक्चुअली बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ थे, तो एक स्किल था, स्किल को कैसे यूज करना है, तो मैंने दिल्ली आके स्किल का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, तो वो जब गैलरी बहुत सारे घुमा, तो उस टाइम में एक्चुअली मोबाइल इतना भी नहीं था कि नेट नहीं हो रहा था, मैं सैटरडे को जाता था साइबर कैप जाता था, तो सारे गैलरी का लिस्ट ऐसे गूगल पे दिल्ली में कुछ पता नहीं था ऐसे टाइप कर देता था, सब तो करते हैं अभी भी करते हैं, पेन में लिख के लेके आता था, तो दूसरा दिन कहाँ कहाँ स्पेस है ऐसे पूछ पूछ के जाता था, एक दिन लगता था, हफ्ते में कुछ ना कुछ गैलरी एक दो घूम लेता था। तो धीरे 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 से पता चला कि एक्चुअली नहीं, हम इसको इस तरीके से करेंगे। एक्चुअली आर्ट तो एक योगा टाइप का है, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके अंदर कब धीरे 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 आता है। एक शो देख लिया, ऐसा नहीं कि मैं जाके आप डेली प्रैक्टिस करते हैं अचानक अचीव करते हैं? हाँ नहीं नहीं मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, वही मैं कह रहा हूँ डेली प्रैक्टिस करना, लेकिन अचानक अचीव करते हैं, अचीव करना वही एकदम से जो आता है ना कहीं वो एकदम से, इसको बोलते हैं इंस्पायर हो गया, राइट? तो जो धीरे धीरे आता है वो एक इंस्पिरेशन, एक सीख होता है, हम दुनिया से सब लोग कहीं ना कहीं सीखते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं बचपन से आया था सब सीख के आया था, तो पूरा दुनिया देखा कि आर्ट देखा, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ मिला। जो काम है एक से नहीं है, आप बोलते कि आपके एक फेवरेट आर्टिस्ट बोलो, एक मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है नहीं, मैं बोल सकता हूँ कि फेवरेट वार का, ये मैं पूछने वाला था वैसे, फेवरेट वार कौन है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट का हो सकता है, ये काम मेरे को अच्छा लगा, वो आर्टिस्ट का दूसरा काम अच्छा नहीं लग सकता है, बिल्कुल ऐसा भी है। बट हाँ वो काम, बहुत सारे काम है, कुछ कुछ काम अच्छा लगता है बहुत सारे आर्टिस्ट के, इंडियन में है, वेस्टर्न भी है, बहुत सारे आर्टिस्ट है, बिल्कुल। तो वो तो है, बट हाँ दिल्ली जब आए तो एक कंपोज कैसे करना है, काम को किस तरीके से एक रिप्रेजेंट करना है। तो जब पहले आके कुछ ऑयल पेंटिंग मैंने दो तीन शुरू किया था, बट अच्छा रेस्पॉन्स रहा, उस टाइम में बहुत ज़रूरत था पैसा का भी दिल्ली में सर्वाइव करने के लिए, उस टाइम में आईपैक्स में फास्ट ओवर लग गया था और धूमीमाल में। क्योंकि मैं एक चीज़ सवाल ये पूछना चाहता हूँ, आपके बहुत सारे काम में जैसे बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है, एक कॉन्स्ट्रक्टिव वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है, मटेरियल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है, क्या ये दिल्ली में आने के बाद हुआ? क्योंकि इसमें जो मैं अभी भी इस वर्क में देख रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने आपके कॉलेज के वर्क में देखा, उसके बाद भी आईएफएक्स में भी आपका एक अवार्ड था, उसमें भी काम मैंने देखा था, मैं आपके काम को फॉलो करता हूँ, मैं जानता हूँ, ठीक है, आई रिमेम्बर ऑल योर वर्क्स। तो उसमें भी एक कॉन्स्ट्रक्टिव, एक बिल्डिंग्स का एक इन्फ्लुएंस था। तो क्या ये है कि आप जो आसपास देखते हैं इतने बिल्डिंग्स, आसपास इतना कॉन्स्ट्रक्टिव ये चीज़, क्या इससे आप लेके प्रभावित होकर भी काम करते हैं? ओब्वियसली प्रभावित हैं, राइट? बट आप जो बिल्डिंग देखेंगे यहाँ पे कभी कभी आपको इरिटेशन लगता है, तो पेंटिंग में जो बिल्डिंग है आपको लगेगा नहीं कि भूत है, बट उसमें एक सुकून टाइप का है, मतलब एक लाइक लैंडस्केप टाइप का मैं बनाता हूँ, उसमें भी आप बहुत सारे इमेज देखेंगे फटाफट के हुए, मैं बहुत सारे इमेज इसमें डालता हूँ, या कहीं कहीं स्काई को नीचे ले आता हूँ, थोड़ा प्ले करता हूँ
पेपर के साथ, कभी कभी मैं काम के साथ पूरा एंजॉय करता हूँ कि ऐसे पेपर का आप मेलोड्रामा क्रिएट करते हैं बहुत ज्यादा, पूरा ड्रामेटिक कहीं ना कहीं मुझे बचपन से पता है, जो क्योंकि इतना ज्यादा लेयर्स में, इतना ज्यादा जो कलर्स का स्कीम में देख रहा हूँ सिर्फ इसी एक पेंटिंग में जिसपे आपको अवार्ड मिला हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक जितना कलर स्कीम है, जितना एक ड्रामेटाइजेशन आपने किया है, इट्स सो ब्यूटीफुल। और वो भी मेंटेन करना और वो भी प्रेजेंट करना, उसमें बैलेंस लाना, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्किल एंड लॉट ऑफ स्टडी। हाँ, वो एक्चुअली जब बैचलर में पढ़ते थे तो वो डेली सुबह 6 बजे वाटर कलर चले जाते थे, तो 8-9 बजे तक वाटर कलर खत्म करके फिर 10 बजे तक कॉलेज आते थे, तो वो डेली का प्रैक्टिस रहता था वाटर कलर करना। तो एक्चुअली हम कॉलेज जहाँ पर था वो खंडगिरी उदयगिरी के जो दो पहाड़ है उसके नीचे ही था, तो डेली खंडगिरी उदयगिरी जाते थे। पहाड़ पे क्या होता है ना कि आपको बहुत सारे कलर मिलता है, तो आप जब उस टाइम में सीनियर वगैरह बोलते थे आपको कलर की स्टडी करो उससे आपके कलर स्कीम बढ़ेगा, और उस टाइम में तो एक्चुअली पता नहीं चल रहा था एक्चुअली क्या मेरा पढ़ रहा है। बट जो बाद में ही जब यहाँ से मैंने शिफ्ट हुआ है, जब मैंने वाटर कलर को एज ए मीडियम यूज किया है, एक्चुअली देखेंगे कि जहाँ के जितना आर्ट इतना डेवलप हुआ नहीं, मतलब कंटेम्प्रेरी वे में बता रहा हूँ, वैसे तो उड़ीसा बहुत रिच है आर्ट में, बिल्कुल अलग ट्रेडिशनली, इस कंटेम्प्रेरी में इतना तो प्रैक्टिस है नहीं उड़ीसा में ज्यादातर प्रैक्टिस के, बट वहाँ अभी भी आर्ट वाटर कलर को सोचते हैं कि वाटर कलर मतलब स्पॉट पेंटिंग होता है, उसमें पेंटिंग आप वाटर कलर सीख रहे हैं, आप उसके बाद आप एक्रिलिक करेंगे या ऑयल पेंटिंग करेंगे, राइट, ये होता है। बट यहाँ मैंने वाटर कलर को एक्चुअली मैंने नहीं चुना, वाटर कलर मेरे को चुन लिया, शायद वो भी हो सकता है क्योंकि जब दिल्ली आया तो मेरे पास स्पेस नहीं था, छोटा सा रूम पे था, तो उसमें मेरे को काम भी करना था, ऑयल पेंटिंग के लिए पूरा एक सेट करना पड़ता है, तो छोटे छोटे A4 साइज का जो कैंसन का पेपर मिलता है, right. तो इसमें वो स्ट्रीक डॉग वगैरह पहले मैंने शुरू किया, कुछ पेंटिंग छोटा छोटा शुरू किया, okay. तो उससे पहले उसके बाद थोड़ा जब थोड़ा रूम थोड़ा मिला तो उसके बाद थोड़ा ऑयल पेंटिंग शुरू किया, तो उसके बाद मास्टर्स पॉइंट हो गया, तो जब मास्टर्स हो गया तो उस टाइम पे भी मेरे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट था नहीं, एक्चुअली इधर उधर कर रहा था तो कुछ पैसा था नहीं, जो था एडमिशन में चला गया, तो मैं सोच रहा था काम कैसे शुरू करूँ, मेरे पास था मटेरियल नहीं है, तो हमारे जो गाइड थे अभिमन्यु सर, उन्होंने बोला कि आप तो जनरल में मिला है तो एक सीट ले, आप लिए तो काम शुरू करो, 1 महीना हो गया कुछ कर नहीं रहे, अक्सर मेरे पास कोई मटेरियल था नहीं, ये बात मैं इनको बोल नहीं पा रहा हूँ, ओके तो मेरे पास कुछ काम में मटेरियल नहीं है, जो छोटा मोटा था ऐसे बैठ के कर रहा हूँ ना, आप अब तो पेंटिंग क्यों नहीं शुरू कर रहे हो, ऐसा करेंगे अभी थोड़ा सोच रहे हैं, एक स्पेस चेंज हुआ ना थोड़ा, ऐसे ऐसे करके बोला था, ओके तो एक्चुअली फिर क्या हुआ, मैंने एक किसी के साथ थोड़ा कोलाबरेट करके एक पेपर रोल लिया, तो पहले एक पेंटिंग शुरू किया, ओके तो फिर धीरे धीरे एक वाटर कलर में एक मीडियम बन गया कि, और उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे आर्टिस्ट है जैसे कि एक्चुअली वेस्टर्न आर्टिस्ट है कि वो एक मीडियम को इतना फोकस करते हैं कि उसमें मास्टरी कर लेते हैं, मतलब जो एक्चुअली मैं एक फ्रेंड था एक्चुअली फ्रेंड मेरे को बोला कि अब तुम अपने आप को पूछो जो आपको एक्चुअली कौन सा मीडियम पसंद है, ये नहीं है कि आप वो वाटर कलर कर रहा है कि देख के मैं वाटर कलर ही कर लूँ, आपको सबसे ज़्यादा कोई कौन सा मीडियम में करने में आपको मज़ा आता है, राइट, तो वो मीडियम एक्चुअली आपके लिए है, जैसे आप सोचोगे कि अभी न्यू मीडिया आ गया, बहुत सारे लोग अलग अलग मीडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको भी कुछ करना चाहिए, वो जब आना है वो अपने आप आ जाएगा। मैंने भी जब फील किया कि मैं जब सोच के कुछ करता हूँ, एक काम किया दूसरे काम, फिर दूसरा बात कर नहीं रह पाया, जब वो अपने आप आता है तो उसके बाद मैंने बहुत सारे काम उसके ऊपर किया या एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मन भर गया लगता है, तो फिर कहीं एक मीडियम ले लिया, एक दो काम किया, फिर वो मज़ा नहीं आ रहा लगता है, तो फिर रुक दिया, मैंने लगा नहीं वो अपने आप जो भी आता है ना अपने आप आने देते हैं, फ्री फ्लो पहले हम ऐसे रहते हो। अच्छा एक चीज़ दिग्विजय आपसे एक चीज़ पूछूंगा, क्या आर्टिस्ट को गैलरी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए या नहीं, सोच के बताइएगा, क्योंकि आप गैलरी से जुड़े हुए हैं ना, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी का नाम लीजिए, सी व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, इसका एक कारण ये है कि काफ़ी आर्टिस्ट, काफ़ी स्टूडेंट्स मैं बोलूँगा, जब भी किसी कॉलेज से पास आउट होकर निकलते हैं तो ये सोचते हैं कि अगर हम किसी गैलरी के पास अगर नहीं जाते हैं तो मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, अगर कोई गैलरी मुझे सपोर्ट नहीं करता है, कोई गैलरी मुझे स्पॉन्सर नहीं करता है, शोज नहीं देता, तो मैं वो नहीं हूँ। उनके सीनियर्स भी ये बताते हैं कि भाई तुम्हें निकलने के बाद ही अच्छा अच्छी गैलरीज के पास जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आप गैलरीज के पास नहीं जाते, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अपॉन देम, तो क्या आर्टिस्ट खुद भी अपने पैर पर खड़ा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, बट एक्चुअली गैलरी क्या है ना आपको इसी लेवल पे प्रमोट करता है,
मैं भी गैली के साथ जुड़ा हूँ कि वो सर गैली में शो हुआ है right. तो गैली अब वो जिस लेवल पे प्रमोट करता है और जिसके पास आप काम पहुँचता है, हमारे पास तो इतना बड़े लिंक है नहीं कि हम उनके पास जाके वो काम पहुँच बिल्कुल है बिल्कुल. तो इसके वजह से तो गैली चाहिए कि जो कि आपको एक लेवल पे आपके शो करने के लिए, हम देखेंगे ललित कला में शो करेंगे इस तरीके से हैंग कर देंगे तो इस तरीके से लगाएंगे, बट गैली के एक प्रोफेशनल रहता है, उनका एक लाइटिंग रहता है या काम को एक डिस्प्ले का एक प्रोफेशनल इनका क्यूरेटर रहता है right. तो वो आपके बारे में लिखते हैं right. तो उनके सोशल मीडिया में कनेक्शन बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आर्ट के एक के बारे में ज़्यादातर नॉलेज रहते हैं, आर्ट बायर्स हो गए या कलेक्टर हो गए या आर्टिस्ट हो गए या राइटर हो गए, तो उसके थ्रू में आपका कनेक्शन बढ़ता है. बट ये नहीं बोलूँगा कि आपको गैली को साथ रह के ही आर्टिस्ट बन सकता है. आर्टिस्ट तो आप जिस दिन आर्टिस्ट को चूज कर लिया, आर्ट आपको चूज कर लिया, तो उस दिन से आप आर्टिस्ट बन गए. बस उसको प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे. ऐसा नहीं है कि गैली आप काम नहीं कर रहे आपको कोई गैली लेके आर्टिस्ट बना देंगे, आपको काम करेगा तब जाके आप आर्टिस्ट बन सकते हैं. मैं अभी गैली के साथ हूँ, मैं अभी काम नहीं करूँगा तो नहीं हो पाएगा. you know, तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल. काम करूँगा तो गैली आपको आगे लेके डेवलप करेगा कि आपके काम को लेके अच्छे अच्छे जगह में शो करेगा, आपको दिखाएगा कि फिर आपका एक ग्रोथ होगा काम में कि. और सेकेंड चीज़ ये कि फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, तो हमारे पास तो इतना लिंक नहीं है कि हम इतने पैसा में किसी को बेच सकते हैं काम right. तो वो गैली के पास उतना लिंक रहता है कि वो आपके बारे में एक कन्विंस कर सकते हैं वो कलेक्टर को जो आर्ट कलेक्ट करते हैं कि हाँ ये आर्टिस्ट के ऐसे ऐसे ग्रोथ है, या हमारे पास तो इतना बड़ा लैंग्वेज भी नहीं है कि हम किसी को कन्विंस करके इसे दे सकते हैं. तो उनके पास तो क्यूरेटर अच्छा रहता है कि जो कि आपके काम के बारे में अच्छा से एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं. तो उसके लिए गैली तो चाहिए, बट ये नहीं कि गैली ही चाहिए आपको आर्टिस्ट होने के लिए. आर्टिस्ट होने के लिए पहले तो काम चाहिए, तो मेहनत तो पहली है, पहले मेहनत है, उसके बाद मेहनत करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली होता है. मैंने जब दिल्ली आया कोई बात करने के लिए थे नहीं, अच्छा उड़ीसा में होते तो लैंग्वेज भी मेरे क्लियर था नहीं हिंदी, हाँ। तो यहाँ आ रहे थे मेरे को सब दोस्त कैसे बन गए, यहाँ पे इतना लैंग्वेज भी मिल नहीं रहे, तो वो धीरे 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 फिर हो गया सारे. वैसे देखा जाए तो आर्ट ने आपको दोस्त बना के दिया है ना, दोस्त बना के आपके आर्ट के थ्रू ही आपने दोस्त बनाया है राइट. आपके कला के थ्रू, आपके आर्ट के थ्रू ही आपने दोस्त बनाया कि लोग जुड़ गए. मत एक दो दिन काम नहीं किया लगता है कि मैं साल भर के काम नहीं किया. ऐसे काम नहीं करता हूँ तो मेरे को बिल्कुल कुछ ना कुछ तो करूँगा एक दिन में, मतलब घर पे भी जाता हूँ तो मैक्सिमम 1 वीक तक लगता है. उसके बाद लगता है कि नहीं बैठ रहा हूँ ऐसे okay. क्या बैठने के लिए यहाँ आया हूँ, ऐसे नहीं लगता है मेरे को काम करना है. कुछ ना कुछ मतलब कुछ नहीं है तो काम को डिस्प्ले करके उसके सामने बैठना है 1-2 घंटा, फिर भी सुकून फील होता है कि हाँ कुछ तो कर रहे हैं. तो अभी तो फिलहाल स्टूडियो में ज़्यादातर काम करते, ज़्यादा टाइम स्टूडियो स्पेंड करते काम के साथ ही. मैं तो थोड़ा ज़्यादा बाहर वगैरह इतना क्लोज थोड़ा कम है, थोड़ा पार्टी करना वो सब थोड़ा मेरा कम है क्योंकि इतना सोशल ये नहीं है, तो बस स्टूडियो प्रैक्टिस ज़्यादा रहता है, स्टूडियो प्रैक्टिस ज़्यादा रहता है. एक्चुअली काम भी ऐसे ही मैं छोड़ के जा नहीं पाता हूँ. कभी कभी होता है कि आप काम शुरू कर ले वो अच्छा लग रहा है, आपको लगे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, वो एक इंटरेस्ट रहता है. क्योंकि एक लाइन खींचने के बाद उस लाइन को आगे कहाँ बढ़ाना है उसको ढूंढने के लिए भी आर्टिस्ट को लगे रहना है. मैं अपने आर्टिस्ट वो एक्चुअली मजा है, ये है ना, कंप्लीट हो गया बिल्कुल, उसके बाद देखा फिर कुछ के बाद फिर ठीक है अभी सेकंड क्या करूँगा, उसके बाद फिर उसके लिए चला राइट. बट एक्चुअली जो मेरे को लग रहा है जब एंजॉय करता हूँ मैं किसी काम को, तो जब काम चलता है जब प्रोसेस में है इतना देर गया है तो अभी आगे क्या होगा मेरे को भी देखना है राइट. तो वो एक जैसे एक मूवी देख रहे हैं उसके बाद क्या सीन आएगा, तो आर्ट में जो पेंटिंग करता हूँ या कुछ भी बना तो उसके बाद क्या आएगा, वो एक क्यूरियोसिटी रहता है. और जैसे कोई आर्टिस्ट के स्टूडियो घूमना मेरे को ज़्यादा पसंद है जैसे गैली से. ग्रेट, मतलब किसी आर्ट कॉलेज गया कि बच्चे काम कर रहे हैं जैसे बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब मेरे को वो चीज़ देखने के ज़्यादा एक्सीलेंट ये क्योंकि वहाँ पे ही खोज होता है वहाँ पे शोध होता है, वहीं रिसर्च होता है राइट. वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छा कहा. का एक लिबर्टी जैसे आर्टिस्ट का वहाँ पे एक्चुअली सोचता है वो, उस टाइम में रॉबली बहुत सारे स्केच पढ़ता है, बहुत सारे काम उसको भी पसंद नहीं होता, वो रिजेक्ट करता है, तो फिर वहीं से फिर निकलता है. तो वो चीज़ ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है फाइनल वार्क से. फाइनल वार्क हो गया फिर लगता है कि नेक्स्ट क्या करें, वो चीज़ में फिर ख़त्म राइट. कभी कभी बहुत दिन के बाद जब फिर कुछ दिन के बाद देखा वो काम, फिर अच्छा लगता है बिल्कुल.
वही होता है। और प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि मैं एक करता हूँ फिर कुछ दिन के बाद करता हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस रहता है। तो वो एक्चुअली मैं एंजॉय करता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं इतना टाइम बैठता है क्या करता है, इतना टाइम बैठता है, वो नहीं होता। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा दिग्विजय जी, जो आज के टाइम में मैं पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए ये सोशियो पॉलिटिकल जितने भी चीज़ें होते हैं आजकल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बीच में किसान का प्रोटेस्ट भी हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा आर्टिस्टों का, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट आपके ही उड़ीसा से, उन्होंने किसान पे भी बहुत सारे काम किए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप जानते होंगे मैं भी जानता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और सोच के काम कर रहे हैं, और फिर अलग अलग चीज़ों पर भी काम हो रहा है जहाँ पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है, पॉलिटिकल चीज़ें भी आ रही हैं। ये जो पॉलिटिकल डिस्टरबेंस हो रहा है, आज वॉर भी चल रहा है यूक्रेन और एक रशिया का जो चल रहा है, क्या इन चीज़ों का कोई प्रभाव, इन चीज़ों का कोई इन्फ्लुएंस आपके काम पे पड़ता है, क्या आप सोचते हैं, मैंने अपना सवाल पूरा नहीं किया, मैं एक चीज़ और बोलूँगा, क्या आप सोचते हैं कि इन चीज़ों का स्पेस देना ज़रूरी है आर्ट में या नहीं, मैं ये चीज़ नहीं सोचूंगा आज जो हो रहा है वास्तव में, जो रियलिटी में हो रहा है या आज समकालीन में चल रहा है, बट आई विल डू माई वर्क ऑन माई ओन, चाहे यहाँ पे वॉर हो चाहे हो, तो क्या आप उसको स्पेस देना चाहेंगे? ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, राइट? मतलब जो आर्टिस्ट उनके ऊपर इंटरेस्ट है, जैसे कि जो फार्मर के पोर्ट्रेट के बात कर रहे थे, जिनके इंटरेस्ट है उसके ऊपर कि ये एक सोशल इशू पे काम करें या उस तरीके से, तो वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलत है वो सही है। तो मेरे को इतना इंस्पिरेशन किया नहीं वो चीज़, या कोई भी पोर्ट्रेट हो गया वो चीज़ मेरे को इतना किया नहीं, मैं अपने से रहता हूँ, एक शांत वातावरण हो गया या छोटे छोटे चीज़ को देख के एंजॉय करता हूँ, तो उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रहता हूँ। तो उस पर डिपेंड करता है कि उनको सामने वाला का क्या इंटरेस्ट है, उनको लगता है कि हाँ इसके लिए हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, तो वो उनका काम है, तो उनको उससे वो मजा ले रहे हैं या अपने आप एक एंजॉय कर रहे हैं या उनके साथ एक जुड़ा रहना चाहते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने देखा उस टाइम में वो फार्मर का इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो डिपेंड करता है वो सोच के ऊपर, तो मैं तो नहीं करता हूँ उस टाइप का काम, थोड़ा नहीं वो जरूरी भी नहीं है कि हर कोई करे, नहीं वो जरूरत भी नहीं है, अपने अपने हिसाब से कोई सही और गलत कुछ दुनिया में मेरे को लगता हुआ। और आर्ट के अलावा आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो? तो ड्रामा में थोड़ा इंटरेस्ट बहुत था। अच्छा। बट बचपन में शायद आर्ट कॉलेज में नहीं आता तो ड्रामा में चला जाता, तो यही आर्ट में ही आना था और कुछ तो ड्रामा में ज़्यादा तो हो नहीं पाया था, तो आर्ट में ही। फिर टेंथ के बाद पापा ने आके उड़ीसा बीके कॉलेज वहाँ पे बैचलर किया, तो आए थे, तो उन्होंने बोले कि प्लस टू के बाद होना है, फिर लगा फिर प्लस टू करना है, फिर प्लस टू खत्म हुआ तो यहाँ से एडमिशन ले लिया। तो आज आपका दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन और हम इससे ही अंत करेंगे, दिस विल द एंड। आपका क्या फ्यूचर है, आप किस तरह से आर्ट को नयापन देना चाहेंगे, अपने आर्ट को? आर यू गोइंग फॉर स्कल्पचर, आर यू गोइंग फॉर एनीथिंग एल्स, आपका कुछ नया कुछ प्लान? मेरा एक आदत भी बुरा है सर, तो लोग मैं किसी भी काम को अभी कर रहा हूँ कुछ टाइम के बाद लगता है कि ये तो कर लिया फिर क्या, मैं सोचता रहता हूँ आगे क्या करूँ, मैं उतना तो फ्यूचर के लिए नहीं सोचा ना, जब आया था तो यहाँ आके आपके सामने इंटरव्यू दूंगा वो भी नहीं सोचा था, वो चल रहा है तो जो हो रहा है उसको होने देते हैं, अभी ये नहीं सोचा कि ये कर लूँगा तो मेरा ड्रीम फील हो जाएगा, गैली के साथ काम करूँगा, ऐसे नहीं है। बट जो जो सोचा नहीं था अभी वो गैली का भी प्रपोज आ रहा है कि आपके लिए शो करना है, तो ठीक है टाइम के हिसाब से आ रहे हैं। तो बस यही लगता है कि जब सुबह मैं ब्रश पकड़ता हूँ तो पहले ब्रश को नमस्ते करता हूँ, ये मेरे लिए भगवान है, और मैं उसको लेके स्टार्ट करता हूँ, तो एक जब स्टार्ट करता हूँ लगता है कि हो सकता है काल में काम करूँ या ना करूँ, आज मेरे को चांस मिल रहा है, मेरा मैं बेस्ट दे रहा हूँ, लगता है कि भाई मैं सोने तक सोचता हूँ कि शायद काल नहीं कर पाऊँ, आज करना है तो पूरा टाइम दे के करना है। तो ऐसे कोई फ्यूचर प्लानिंग तो नहीं है कि ये कर दूंगा इतना तक है, बट एक प्लानिंग है भगवान को, यही बोलता हूँ कि सुबह से उठ के बस मेरे को डेली काम करने के लिए सुजग मिल जाए, वही है बस। कितने लोग अपने एक जो मर्जी है, जो जिस चीज़ को प्यार करते हैं, जिस मतलब आर्ट को मैं आर्ट लव करता हूँ कि डेली आर्ट करना, वो तो मेरे को लगता है कि मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूँ, तो भगवान को इसके लिए हर टाइम शुक्रिया बोलता हूँ कि आपने जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ, जो चीज़ मैं करने का इंटरेस्ट हूँ, तो वो काम मैं कर सकता हूँ, वो काम मैं कर पा रहा हूँ, कोई ये नहीं है, बट हाँ ये है कि मैं आगे काम करूँगा और कहाँ मेरा प्रैक्टिस जारी रखूँगा, बस यही है। थैंक यू सो मच दिग्विजय जी, आपने टाइम निकाला है और आर्ट कीपर के सामने आपने बात किया है, आर्ट कीपर से शेयर किया है।
थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू. थैंक यू. थैंक यू. Thanks for watching this video. Stay with Artkeeper, subscribe and share. Please support us.